मेरे प्यारे दोस्तों, ये हसमुख पंडित फकीर योगी बेंद्र योगी रोड रेज के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। हिंदुस्तान अभी सड़कों के जाल से फैलाया जा रहा है। ये जो रिंग रोड है हैदराबाद का, तेलंगाना स्टेट इंडिया में, ये थोड़ा साफ सुथरा है। देखिए, सभी गाड़ियां अपने अपने लेन में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ कम है। बड़ा ही शांत वातावरण है, सभी लोग अपने गति के हिसाब से 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और भारी जो गाड़ियां हैं ट्रक, वो दो लेन में जा सकते हैं, बस ही उनका अंतिम गति सीमा है। प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है कि जब मैं जा रहा था तो जो एक गाड़ी देख रहे हैं सुजुकी मारुति का, उस लेन में विपरीत दिशा से एक गाड़ी आ रही थी 200 किलोमीटर की स्पीड में। मैं जब देखा तो रोड खाली था, बाईं तरफ जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। अब बताइए, वो आदमी क्या आत्मघाती हमला करने वाला था? एक उदाहरण दे रहा हूँ। कभी कभी ये भारी गाड़ियों को देखिए, इसकी गति सीमा 80 है, लेकिन ये 100 किलोमीटर की रफ्तार चलने वाले लेन में आ जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक। इतनी भारी गाड़ी अगर इधर आ जाए और टक्कर हो तो क्या हाल होगा। इतना ही नहीं, ये लोग बिना सोए बहुत थक जाते हैं, और देखेंगे कि रेलिंग्स है ना, उसको धक्के मार देते हैं और गड्ढे में गिर के मर जाते हैं, और गाड़ियां चकनाचूर हो जाती हैं। ये तो हो गया रिंग रोड, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सड़कों में आती है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो हमारे हाईवे हैं, या हमारे जो शहरों में सड़कें हैं उनकी स्थिति क्या है। वहां आप देखेंगे कि मक्कार, गद्दार, चोर, शैतान, घटिया इंसान कभी भी ट्रैफिक लॉ का फॉलो करेगा ही नहीं, नियमों कानून कायदा का कभी वो सम्मान करेगा नहीं। कभी बायम गिराएगा, कभी दाएं जाएगा, कभी किधर से आ जाएगा, और आप अगर गति सीमा में चल भी रहे हैं तो पीछे से आपको बहुत हॉर्न बजाएगा। वो गद्दार दुष्ट कुत्ते की मौत मरेगा एक दिन, बता रहा हूँ, मरता है वो। कभी बाएं से ओवरटेक करेगा, कभी दाहिने से ओवरटेक करेगा, कभी हॉर्न बजाएगा, कभी सामने गाड़ी रोकेगा, आपको डंडे से मारने की कोशिश करेगा। नितिन गडकरी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो विफल रहे हैं ट्रैफिक लॉ को सुधारने में। इसका कारण ये भी है कि जो हिंदुस्तान में लाइसेंस मिलती है वो बिकती है। जो हमारे लाइसेंस देने वाले होते हैं ना, बिना परफेक्ट टेस्ट किए हुए कुछ पैसे लेके लाइसेंस दे देते हैं, लव सिखुआ होता है। मैं एक दिन की घटना बता रहा हूँ, मैं होंडा जैज में जा रहा था और एक लव सिखुआ कहीं से आ गया, और सबसे ज्यादा यहाँ कौन आता है साउथ इंडिया में, और नॉर्थ वाले गरीब भिखारी, वहां की सरकारें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जनता को शोषण करती है, अपने परिवार के लिए वंशवादी परंपरागत हजारों करोड़ की संपत्ति लूटती है, और वहां के जितने भी हिंदी भाषी हैं, बिहारी खास के, जहां भी जाओ बेचारे गरीब भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां की काम करना मुश्किल होता है। और बिहार में तो और भ्रष्टाचार अति सीमा पर है, वो कोई लाइसेंस कहीं से उठा के ले लाते हैं दो चार पैसे में खरीद के, और बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए दुर्घटना हुई है, यहाँ देखिए दुर्घटना है, ये देखिए, और गाड़ी आ गई है, दुर्घटना हुई है, देखिए देखिए कैसे वो गाड़ी पलटी हुई है, देख लिए प्यारे दोस्तों। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सड़कों पर चलिए तो परफेक्ट लाइसेंस के साथ चलिए, और थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, धीरज नहीं रखेंगे तो देखिए अभी गाड़ी पलटी हुई थी।
आपकी अकाल मृत्यु अवश्यंभावी है। उसमें मर गए सब, 6-7 लोग बैठे थे, मार दिया टक्कर एक बड़ी गाड़ी आके उनको, क्योंकि कानून कायदे को ये लोग हाथ में ले लेते हैं। ये पंडित फकीर योगी वेंद्र योगी ईश्वरा परिधाना, ब्रह्मांड के सारे नियम कानून को नियमित ढंग से अनुपालन करते हुए, अनुमोदित करते हुए संबोधित कर रहा हूं। आपकी लंबी दीर्घायु हो, 100 साल तक जिए, लेकिन आपकी जो ज्योति है ना, ज्ञान की ज्योति है, बुद्धि की ज्योति है, रोड रेज मत करिए। अहंकारी दुष्ट कुंभकर्ण दुर्योधन रावण कंस जयचंद हमेशा पृथ्वी पर राज किए हैं और करते रहेंगे, हिटलर जैसे लुटेरे बदमाश शैतान की संख्या असंख्य है। उनकी तादाद बहुत तरक्की पर है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है कुत्तों की तरह, उस पर लगाम नहीं लगा रहा है। हजारों कुत्ते भूखे प्यासे भटकते रोड पर कुचले जाते हैं, लेकिन मनुष्य तो इतना चालाक है कि वो मार पीट लूट काट चंद पैसों में बिक जाता है और टेररिस्ट बन जाता है, विचार से दारिंदा राक्षस बन जाता है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कानून कायदे इतनी सख्त हो और पढ़ाई इतनी तगड़ी हो कि हर आदमी में देवत्व हो, जो है उसमें सोया हो, पढ़ा लिखा नहीं गया। अगर कोई शिक्षा संस्थान पढ़ाता है तो बंदूक कैसे चलाएं, तलवार कैसे चलाएं, लोगों की हत्याएं कैसे करें, वो अपने जो विचार हैं किसी ने दिया उनको विरासत में, उसको लागू करने के लिए दुनिया में खून की रंगीनी खेलने का वो होली वाले दुष्ट हर जगह विद्यमान है। वो फ्रांस हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया के कोई भी ऐसा कोना नहीं है कि उस विचार से भ्रमित अंधकार में भटकने वाला दुर्योधन दुशासन कंस विद्यमान नहीं। प्यारे दोस्तों, शिक्षा ही हमारी शक्ति, हमारी तरह पंडित बनो, प्यार करो, सम्मान करो, सम्मानित हो जाओगे, उपयोगी बनो, योगी बनो। पोथी परिपरि जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अगर आप प्रेम करेंगे ना तो आप बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आत्मवत् सर्वतो, सारी आत्माओं का सम्मान अपनी आत्मा की तरह करेंगे, सबों के कल्याण के लिए सबों में अच्छाई भरते चले जाएंगे और सबको गले लगाते चलेंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्यारे दोस्तों, ये पंडित का उत्तरदायित्व है मेरा कि मैं जितना दम है लगा के लोगों को सही रास्ते दिखाऊं। काम क्रोध मदलोह मोहिष्या द्वेष को नियंत्रण में करने का एक ही तरीका है, ज्ञान की रोशनी में ये सारे जो अंधकार को विचार है विलीन हो जाएंगे। सही कानून कायदे फॉलो करेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। अपने लेन में चलिए, धीरे धीरे चलिए, देर आए दुरुस्त आए। क्या करेगा घटकरी, कोशिश तो कर रहा है घटकरी, नितिन घटकरी जो आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कितने के पीछे लगा देगा पुलिस को, और वो पुलिस भी तो बहुत समय बिकाऊ होती है ना, कुछ पैसे दे के चले जाएंगे, छोड़ देंगे। पुलिस से भी निवेदन है, बिको मत मेरे भाई, लंचम, तेलुगु में लंचम बोलते हैं, लुच्चा लफंगा लंचम लेने वाला मत बनो। एक जिम्मेदार वफादार कानून कायदों को पालन करने वाला भारत का महान पुलिस बनो, जैसा मैं पुलिस हूं। मुझे खरीद नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें दुखी भी नहीं कर सकता, समझा रहा हूं प्यार से। अपनी जिंदगी का महत्व समझो, ट्रैफिक के कानून कायदे को पालन करो और सब लोग साथ मिलके जियो। सड़क हादसे में मरने वाले की संख्या कोरोना में मरने वाले संख्या से भी ज्यादा होती है। इसका कारण है मनुष्य की मूर्खता, दुष्टता, अहंकार, रोड रेज। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर सिद्धू अभी जेल में सड़ रहा है, उसने एक की हत्या कर दी रोड पर। संभल जाओ भाई, थोड़ा सा अपने जो भावनाएं हैं क्रोधित
लोभी लालची अहंकार की भावना को कम करो और प्यार से जी। ओम शांति बोलो। असदो मां सदगम्यो, बोलो मेरे साथ, असदो मां सदगम्यो तमशो मां। देखो ये गद्दार को कैसे ओवरटेक कर रहा है, गलत ढंग से कर रहा है, देख रहे हो ना, अभी बता रहा था ये, उसको पता भी नहीं है कि वो कभी लेफ्ट आ सकता है, लेन बदल दिया, यही दुर्घटना का कारण होता है। फिर से चलो शुरू करते हैं। असदो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यु मा अमृतम गम्य। ओम शांति शांति शांति। शांति का सौदा करने वाले ज्ञान की रोशनी में इस तरह से लबालब हो जाओ कि वसुधैव कुटुंबकम पूरी पृथ्वी अपना परिवार हो, जहाँ जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सामंजस्य एक दूसरे को गलाए लगाते हुए अपने जीवन की यात्रा पूरी करें। फिर से बोलता हूँ, असदो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यु मा अमृतम्। हमें अज्ञानता की घोर अंधकार से ज्ञान के प्रचंड प्रबल प्रसाद प्रकाश में ले चलो, जहाँ की केवल दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, स्नेह हो, सहयोग हो, नफरत नाराजगी के दीवार को तोड़ते हुए काम क्रोध मतलब पर काबू हो जाओ। अच्छी बात बोलता हूँ भाई, लेकिन सुधरोगे क्या, सुधर जाओ ना, और मैं जो बोला सबको सुनाओ, सब सुनेंगे समझेंगे तो ये अकाल मृत्यु की संख्या बहुत घट जाएगी। ये सारे कुकर्मों का ही फल है ना। हिरोशिमा नागासाकी में जो एटमिक बम गिरा गया वो भी दुष्टता ही था ना। हिटलर ने दुनिया को मारने की कोशिश की और उसको बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी को ध्वस्त कर दिया। ये क्या है, दुष्टता है। अरे तुम मारोगे तुम्हें मारेगा, कुत्ते हो क्या, लड़ोगे तो लड़ेगा रे बेशर्म। आप नहीं, वो बेशर्म जो लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते, घर में लड़ते हैं बीवी से और बीवी लड़ती है मर्द से, बाहर में लड़ते हैं अपने पड़ोसियों से, रोड पर लड़ते हैं अपने साथ चलने, लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। साला पुतिन और जेलेंस्की को देखो, क्या कुत्ते की लड़ाई है, और दो कुत्ते लड़ रहे हैं, बाकी सभी लोग बोले बाह कुत्ते लड़ जा, बाह कुत्ते लड़ जा, कुत्ते 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 लड़ जा, कुत्ते कुत्ते कमीने कुत्ते कमीने कुत्ते बेशरम सच सर कमीने।